सौरव जोशी व्लॉग्स के एक महीने की अर्निंग है 80 लाख रुपीज। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी र्यूमर पर बात कर रहा हूं। सौरव जोशी ने रिसेंटली एक व्लॉग वीडियो अपलोड किया है, ये क्या कर दिया थार के साथ, ये वीडियो का टाइटल है। इस व्लॉग में सौरव जोशी जब अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और वो अपने कैमरे को थोड़ा सा स्विच करता है तो गलती से उसका यूट्यूब अर्निंग शो हो जाता है। और वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 98,000 समथिंग डॉलर बना हुआ है लास्ट 28 डेज में। और ये जो अर्निंग है ये सौरव जोशी की लोवेस्ट अर्निंग है। कभी सौरव जोशी के 1 करोड़ पर मंथ अर्निंग भी हुआ करती थी, लेकिन अभी अर्निंग में काफी गिरावट आ चुकी है। इसके कई सारे रीजंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि भाई देखो सौरव जोशी एक्सपोज हो गया, उसकी अर्निंग एक्सपोज हो गई। ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो हार मान चुके हैं, यूट्यूब पर काम नहीं करना चाहते, या फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई यूट्यूब पर पैसा नहीं मिलता है, ये सब फालतू की चीजें हैं। तो ये वीडियो उनको दिखाइएगा, यूट्यूब एक अंधे पैसे का कुआं है, आप इसमें से बहुत ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सौरव जोशी की सक्सेस, सौरव जोशी का इनकम क्या है, इस पर तो मैं बात करूंगा ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है एंड आप यूट्यूब पर किस तरीके से एक सक्सेसफुल चैनल रन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता सकता हूं कि कितना अच्छा खासा अमाउंट आप यूट्यूब से कमा सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सौरव जोशी की अगर हम व्लॉग की बात करें तो इतना ज्यादा अर्निंग कैसे हो रहा है। सौरव जोशी के अगर हम व्यूज की बात करें तो लास्ट 28 डेज में करीब 300 से 320 मिलियन के करीब व्यूज आते हैं, जो कि एक नॉर्मल चैनल के लिए भाई पूरे लाइफ टाइम की व्यूज होती है। मनोज भाई का चैनल हमारी कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल है जो यूट्यूब टिप्स देता है, लेकिन फिर भी मनोज भाई के चैनल पर टोटल लाइफ टाइम व्यूज है करीब 400 से 450 मिलियन के करीब। अब आप समझ सकते हैं मनोज भाई करीब 5-6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और इतना बड़ा चैनल है और इतना कुछ अचीव किया है और पूरे लाइफ टाइम व्यूज है करीब 400 से 450 मिलियन और वहीं पर सौरव जोशी हर महीने लगभग इतना व्यूज लेकर आ जाता है। मैं अगर अपने अर्निंग से कंपेयर करूं थोड़ा सा, मैंने लाइफ टाइम में लगभग 3 मिलियन व्यूज के 80 या 90 हजार के करीब कमाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने केवल 3 मिलियन व्यूज के इतने पैसे कमाए हैं, तो सौरव जोशी जो कि हर मंथ 300 से 320 मिलियन व्यूज लेकर आता है, यानी कि रफली हम कहें तो 30 से 32 करोड़ हर मंथ व्यूज आते हैं और टोटल लाइफ टाइम उसके चैनल पर व्यूज है करीब 7 से 7.5 बिलियन। तो भाई अगर इतना व्यूज आता है तो इतनी अर्निंग तो आराम से हो जाएगी, कोई इसमें चौंकने की बात नहीं है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत पैसे हैं, अंधा पैसा है यहाँ पर। लेकिन सौरव जोशी की पहले के मुकाबले थोड़ा व्यूज कम हुए हैं ओवर द ईयर, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गए जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का ट्रस्ट उनके चैनल से उठ गया, जैसे कि मनोज दे के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एंड उसके बाद हमारे यूट्यूब गुरु टेक चैंपियन सपोर्ट भी जब उनसे मिलने गए थे तो रूडली बिहेव किया था, जिसके ऊपर भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी सारे ऑडियंस नाराज हुई थी एंड उसके बाद काफी और ऐसे इंसिडेंट हुए थे, जैसे सौरव जोशी ने अपने एक सब्सक्राइबर को एक बार जेल भिजवा दिया था एंड पीयूष का फ्लाइंग बीस्ट के साथ रूड बिहेव करना एंड उसके बाद उत्तराखंड के बारे में कुछ अजीब से स्टेटमेंट दे देना, इन सारी चीजों ने काफी हद तक सौरव जोशी की इमेज एक घमंडी वाली बना दी, एटीट्यूड वाली बना दी, जिसके वजह से काफी सारे लोगों ने ओवर द ईयर ना पसंद करना शुरू कर दिया। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये सौरव जोशी का डाउनफॉल है। जो लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पर पैसा नहीं है तो भाई आप मत आओ, कोई जरूरत नहीं है आप मतलब किसी चीज को झुठलाना। यहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं ना कि ये सब झूठ बोलते हैं जो क्रिएटर्स हैं जो कैमरे पर वीडियो बना रहे हैं, तो भाई देखिए एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान झूठ बोल सकता है, 3 इंसान झूठ बोल सकता है या 10 इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन YouTube पर पता नहीं कितने सारे लोगों की कई बार अर्निंग भी लीक हुई है। कई सारे लोग तो खुद अपनी अर्निंग बता देते हैं, जैसे हमारी कैटेगरी की बात करें तो हम लोग अपना अर्निंग खुद से रिवील करते हैं ताकि हम लोग आपको समझा पाए कि YouTube पर कितना पैसा है, सोशल मीडिया पर कितना पैसा है और आप भी यहाँ पर काम करके अच्छे खासे पैसे कमा पाए, अपनी लाइफ बना पाए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने वीडियो के पार्ट टू पर, व्लॉगिंग का क्या फ्यूचर है एंड यूट्यूब से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो भाई देखिए अभी व्लॉगिंग का गोल्डन एरा चल रहा है, सच में मैं आपको बता रहा हूं कि व्लॉगिंग का गोल्डन एरा चला है। एक वक्त था जब लोग DSLR से शूट किया हुआ व्लॉग ही देखते थे, जो लोग फॉरेन में जाते थे, जो लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर व्लॉग बनाते थे उन्हीं का व्लॉग ज्यादा चलता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप लाइफ स्टाइल व्लॉग बना रहे हैं, अपने घर पर रहकर अपने गाँव को दिखा रहे हैं, आप जिस भी स्थिति में रह रहे हैं वो अगर आप दिखा रहे हैं तो बहुत ही तगड़ा वो सभी व्लॉग चल रहा है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बता दूं तो मैं भी ओवर द ईयर काफी सारे चैनल्स को फॉलो कर रहा हूं, काफी सारे चैनल्स को मैं देखता हूं पर्सनली, जैसे रूपम द एक्सप्लोरर, बितुल ब्लॉग एंड जेरी ब्लॉग्स एंड उसके बाद रंगीला फैमिली ब्लॉग प्लस विजय रिया ब्लॉग, साइंस वाला शंकर ब्लॉग एंड ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिसको मैं रेगुलरली देखा करता हूं कि ये लोग किस तरीके से एक नॉर्मल से गांव से
आकर वीडियो बना रहे हैं, जिनको कैमरे के बारे में, जिनको यूट्यूब के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, यहां तक कि इन लोगों को यूट्यूब अकाउंट भी बनाना ठीक से नहीं आता है, फिर भी ये लोग महीने के 2-2, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अभी व्लॉगिंग का गोल्डन एरा चल रहा है। आप अगर गरीब है, आपके पास घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने को नहीं है, अगर आपके पास एक फोन है और आप व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का, अच्छे से अपने गांव को दिखाते हैं, जो भी आप पारंपरिक भोजन कर रहे हैं वो सभी दिखाते हैं, तो आपका व्लॉग काफी हद तक वायरल हो सकता है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। आजकल लोग व्लॉग में कैमरे की क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, लोग ओरिजिनलिटी पर फोकस कर रहे हैं कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आप रहते हैं। तो इसको गोल्डन एरा ना कहें तो और क्या ही कह सकते हैं। तो कुल मिलाजुला कर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। हो सकता है आज आपने चैनल बना लिया, फिर आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं, 2-4 घंटे यूट्यूब को दे रहे हैं, तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका वीडियो वायरल होने लगे, लोग आपको पसंद करने लगे और आपकी भी जिंदगी बदल जाए। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉजिटिव तरीके से लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से जुड़ी हुई जानकारियां चाहिए, यूट्यूब पर कैसे काम करते हैं ये सभी चीजें जानना है, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।